ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ ਕੇ ਜ਼ੀ ਵਲੌਗਸ ਅੱਜ ਹਮ ਲੋਗ ਆਏ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਮਾਟੂੰਗਾ ਜਬ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਮੇ ਥਾ ਤੋ ਤਬ ਮੈਂ ਜਬ ਮੈਂ ਕੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਥੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਮੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਕੈਸੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਾਲਜ ਮੇ ਕੈਸਾ ਕਾਲਜ ਰਹੇਗਾ तो आज मैं आया था तो मैं सोचा आज यही वीडियो बना दूँ कि आपको जो मेरा से छोटे जो वीडियो देख रहे जिनको कॉलेज में आना है या जिनको पता नहीं कैसा है तो उनके लिए मैं बता दूँ। अगर आपको अगर मैं तो घाटकोपर से आया तो अगर आपको घाटकोपर से आना है मेरे को अब तब रहते हो तो खपर माटूंगा आने के लिए आपको 30 नंबर और 7 नंबर बस रहती है जो आपको पकड़ के आ सकते हो। ऐसे आप लोकल ट्रेन से भी आ सकते हो पर फिलहाल कोरोना वजह से कोरोना की वजह से नहीं आने दे रहे, लोकल ट्रेन सब बंद है, पहले जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए खाली चालू है। तो हम लोग बस से आए 30 नंबर और 7 नंबर बस से जो आती है तो आप इधर से डायरेक्ट महेश्वरी उद्यान उतर सकते हो। ये जो मेरे पूरा पीछे है पूरा महेश्वरी उद्यान है पूरा। ये जो ऊपर से फ्लाईओवर गया उसके नीचे साइड जो गार्डन बना है ये वहाँ का है। जो अपना कॉलेज और कॉलेज पीछे से आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा वो भी मैं आपको अभी आगे बता देता हूँ। ये देखिए गाइस ये जो गार्डन था पीछे इसको महेश्वरी उद्यान बोलते हैं। हम लोग अभी इधर से जस्ट बाहर आए, यहाँ से बाहर आके आपको ये इधर बस इधर से जाना है। ये जो पीछे साइड मेरा होटल है ये भी काफ़ी फेमस होटल है, जो गली बॉय की शूटिंग में जो आलिया भट्ट जो स्काई के सिर पे बॉटल फोड़ती है ना वो वाला सीन भी इस होटल में, और भी काफ़ी सारे शूट्स है जो ये होटल मतलब जो पिक्चर वाले वो यहाँ पे लेते रहते हैं इस होटल में। ये जो होटल की लुक है ना थोड़ी ओल्ड स्कूल टाइप है, बहुत पुराना टाइप सा उसका जो स्ट्रक्चर है सब पुराना बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने रिनोवेट नहीं किया तो काफ़ी सही दिखता है ये होटल। इधर भी शूटिंग में आते रहते, बाकी आपको जो सीधा सीधा आते रहना आगे आगे। अजंश भी हमारे साथ ही, इसको भी आपने प्रीवियस वीडियो में देखा रहेगा, तो चार्ली वीडियो थी और वो जो थी ना माउंटेन एक्सप्लोरर उसमें भी हमारे साथ था। इधर पीछे ना बहुत फेमस है चाय सुल्ता बार है, अच्छा भी पियेंगे बाद में पियेंगे चाय बाद में पीते, पहले आप कॉलेज दिखा देते पूरा। अंदर शूट करने देंगे नहीं देंगे वो पूरा मेरे को नहीं पता, अभी कोशिश तो मैं करूँगा कि अभी पूरी अंदर की भी जो वीडियो भी पूरी रिकॉर्ड कर सकूँ, बाकी आप ही देखते अभी रिकॉर्ड करने देते कि नहीं, फिर आगे आपको और अच्छे से दिखाते। देखा इस यहाँ से जो है पूरा कॉलेज जो पूरा स्टार्ट हो जाता है, पूरी कॉलेज की बिल्डिंग है वहाँ से लेके गेट है और ये बैक साइड से भी गेट है, पर बैक साइड से जो आपको जो पीछे का ग्राउंड है वहाँ का गेट है। ये आपको यहाँ से पूरा आगे चलना पड़ेगा, यहाँ से पूरी जो बिल्डिंग है ना जो डिग्री वाले जैसे मेरे को भी अभी डिग्री में एडमिशन लेना था उनके लिए, वैसे कॉलेज में जो ना कॉलेज में कैंटीन नहीं है फिलहाल, जो खाली गर्ल्स कैंटीन है वही चालू थी क्योंकि जब मैं पढ़ता था 11th 12th में तब गर्ल्स कैंटीन ही खाली चलते बाकी बंद थे। बाकी आपको यहाँ पर बाहर खाली स्टॉल मिल जाएंगे कुछ खाना पीना टिफिन लेगा तो फिर भी ठीक है, नहीं तो आपको ये बाहर से आके खाना पीना पड़ेगा। बाकी जो पूरी बिल्डिंग है मेरे पीछे पूरी वो कॉलेज की बिल्डिंग है, आगे चलते हैं और फिर आपको बताता हूँ। ये आपको इस साइड पे डॉन बॉस्को स्कूल भी देखने मिल जाएगा, यहाँ पे सामने इस कॉलेज के सामने सारे डॉन बॉस्को स्कूल भी है, स्कूल भी काफ़ी बड़ा ही है। जो पेंटिंग वगैरह भी है ये भी सब अभी अभी बनाए, जब मैं हम लोग आया करते थे तब यहाँ पे इतनी पेंटिंग नहीं था, तब यहाँ पे पेंटिंग होती तो फोटो खिंचाने वाले की लाइन ही लगी थी क्योंकि कॉल में जो भी बंदा आता है मोस्टली हर रोज़ एक फ़ोटो तो खींचेगा। सही बोला कि नहीं आज तो फोटो वगैरह तो खींचते हुए चालू रहती है, तो तभी अगर पेंटिंग होती तो शायद तभी भी जब तो फोटो वोटो खींचते रहते। अभी गेट के सामने पहुँच गया, अभी आपको आगे से मैं और दिखाता हूँ। भाई ये जो मेन गेट है खालसा कॉलेज का, ये कॉलेज का गेट है, यहाँ से आपको अंदर जाना पड़ेगा। अब मैं इधर वीडियो बंद कर दे क्योंकि वॉचमैन लोग शायद बोल सकते हैं वीडियो बंद कर दे, मैं आगे जाकर आपको दिखाता अच्छे से। और गाइस ये मेन गेट है, यहाँ पे आपको रजिस्टर में अपनी एंट्री करनी पड़ेगी, आपका नाम एड्रेस और नंबर लिखना पड़ेगा। और ये जो सामने साइड है ये मेन गेट है कॉलेज का, इधर से आपको एंट्री करनी पड़ेगी। आगे मैं देखता अभी वीडियो में करने देते कि नहीं, फिर आगे आपको बताता हूँ।
जो पूरा जो पीछे ग्राउंड नहीं, सब खालसा कॉलेज का ही ग्राउंड है पूरा। ये जो बैक साइड से जो पूरा व्यू है वो ऐसा कुछ है जो मैंने पहले बोला ना कि बैक साइड से भी गेट है, जो गेट है ये बैक साइड है, पर यहाँ से एंट्री नहीं मिलती है, आपको मेन गेट से एंट्री करना पड़ेगा। और ये जो पूरा ग्राउंड है, आपको अगर ग्राउंड के अंदर भी आना तो ये कॉलेज ही देखो, जो इधर से सीढ़ी है यहाँ से आपको अंदर आना पड़ेगा, अंदर आने के लिए भी तो यहाँ से गेट है, आप यहाँ से अंदर आ सकते हो। वैसे आप कोई मतलब तो होता नहीं है यहाँ का, खाली जब दिन पीटी होता है या एग्ज़ाम होता है ना उस दिन ही बस आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती आने की। बाकी ऊपर जो फर्स्ट ईयर के लिए जो एडमिशन के लिए पूछना है वो सब यहाँ पे होएगा। बाकी जो मैंने पहले दिखाया वो जो मेन ऑफिस था, बाकी ये पूरा कॉलेज है। अगर आपको जीरोक्स वगैरह भी कुछ कराना जैसे कॉलेज के अंदर, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो कॉलेज में अंदर ही जो इन हाउस में आपको देखो यहाँ पर ही तो मिल जाएगी जीरोक्स वगैरह कराने के लिए भी दुकान वकान। बाकी जो भी लिंक विंक होती है वीडियो की वो सब की आपको इसके अंदर ही मिल जाएगी। जो भी खालसा कॉलेज का मतलब जो भी फॉर्म निकलता है कुछ भी होता है तो आपको बाहर जाके किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, इधर ही मिल जाएगी आपको। और भी ऊपर दो फ्लोर का कॉलेज आपको ऊपर चल के भी दिखाता हूँ। गाइस ये जो है, ये है जो केमिस्ट्री लैब है, अंदर नहीं साथ जाने देंगे आपको, ऐसे इधर से दिखा देता हूँ। ये केमिस्ट्री लैब है, इसके एंट्रेंस में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कूलर लगा हुआ है, दो साइड कूलर, एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक सामने साइड लगा हुआ है, वहाँ पे कूलर लगा हुआ है। आपको यहाँ से आपको पानी भी ठंडा मिल जाएगा, बताओ जरूर आप आपकी बॉटल ले आना उसमें पीना। गाइस ये जो सामने साइड है देखो, यहाँ पे जो मैंने दिखाया केमिस्ट्री लैब है, तो मतलब 11 12th की ना उस लोग के लिए इधर पे होती है, वो केमिस्ट्री लैब थी। और दोनों साइड पे आपको वॉशरूम भी दोनों साइड पे मिल जाएगा, कूलर भी लगे हुए दोनों साइड पे। और जो इस साइड जिधर मैं अभी जा रहा हूँ ना, यहाँ पे फिजिक्स की लैबोरेटरी है। यहाँ पे जो 11 12th थे उनके लिए जो फर्स्ट ईयर वाले ना, उनकी मेरे ख्याल से जो ये वाली है, मतलब मैंने जाया तो उनको पता नहीं शायद, पर मैंने देखा बड़े लोग यहाँ पे करते, जो बड़े लोग की जो डिग्री वाले उनकी यहाँ पे फर्स्ट ईयर की, बाकी जो 11 12th वाले उनकी यहाँ पे जो फिजिक्स की लैबोरेटरी वो यहाँ पे, जो बायोलॉजी की वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बायोलॉजी वाली, सामने फिजिक्स और केमिस्ट्री की आमने सामने आपको मिल जाएगी ग्राउंड फ्लोर पे ही जो है। बाकी जो बायोलॉजी की वो फर्स्ट फ्लोर पे आपको दिखाता वो भी बायोलॉजी की लेबोरेटरी भी। तो वही जो फर्स्ट फ्लोर का व्यू है कुछ ऐसा है, यहाँ से पूरा मतलब कॉलेज आपको दिखेगा पूरा। हो यहाँ से हो मतलब जो गर्ल्स कैंटीन है ना तो वो भी उस साइड पे ही है, गर्ल्स कैंटीन भी। और शायद मेरे ख्याल से फिलहाल वही चालू, अभी जो दूसरी कैंटीन है वो चालू हुई है कि नहीं हुई है, जब तक मैं पढ़ता था तब तक तो चालू नहीं थी, अभी हुई है कि नहीं हुई है वो भी मालूम पड़ेगा, देखता हूँ पूछता हूँ किसी को। यहाँ पे आपको बड़ी सी क्लॉक दिख जाएगी, चालू है कि नहीं है, बंद है ना शायद, या आर्टिफिशियल शायद से क्लॉक बनाई है और ये बंद है पूरा। आपको यहाँ सीन देखिए, अभी कुछ भी क्राउड नहीं, पर जब नॉर्मल ऐसे कुछ ऐसा व्यू है, यहाँ से पूरा जो सामने साइड का जो पूरा जो रास्ता वगैरह जो डॉन बॉस्को स्कूल है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। खड़े हो गए तो कुछ बोल रहा नहीं, पर जब बाद में आप खड़े हो गए ना तो टीचर वगैरह आपको गुस्सा करेंगे, क्योंकि बराबर है आप फ्री पीरियड में यहाँ पे क्यों उठते हो, मतलब खड़े नहीं हो सकते। यहाँ से जो मैंने पीछे गेट देखा तो यहाँ से पूरा गेट है, और ऊपर चल के दिखाता हूँ, पहले बायोलॉजी की लैब भी आपको दिखा देता हूँ। जो ये साइड पर फिलहाल पूरा कॉलेज का काम चल, क्योंकि लॉकडाउन बराबर उन लोग भी रिनोवेट कर रहे हैं। बाकी एक और खालसा कॉलेज में बहुत सी शूटिंग वगैरह बहुत हुई है, मतलब काफ़ी शूटिंग वगैरह के लिए भी यूज़ हुआ करा, जब मतलब मैं था तब शूटिंग के लिए भी होता था, तब छुट्टी दे दी जाती थी जब शूटिंग के लिए कॉलेज शुरू होता था। तो जो पंजाबी के जो लेक्चर हुआ करते ना कॉमर्स वाले को, वो इस साइड हुआ करते थे इस साइड, और सामने साइड जो जो बायोलॉजी की लेबोरेटरी है वो सामने है, वहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ। और दोनों साइड हर फ्लोर पे आपको दोनों दोनों साइड वाटर कूलर भी मिल जाएंगे, ठंडे पानी के पानी भी नहीं भरने के लिए आपको वो भी मिल जाएंगे पूरे। आगे आपको बायोलॉजी की लेबोरेटरी दिखाता हूँ। ये गाइस फर्स्ट फ्लोर का व्यू है, पूरा कैंपस दिखता है फर्स्ट फ्लोर से। जब एनुअल डे होता है ना तो यहाँ पे कॉलेज में एनुअल डे नहीं बोला जाता है, नजराना करते हैं। तो नजराना होता तो भी यहाँ पे जितनी भी गर्दी सब यहाँ पे होती, क्राउड जो मेन ये स्टेज बनाया है सब फंक्शन यहाँ पे होते हैं। वो जो सामने दिख रहा है आपको ये वाला, ये जो डिपार्टमेंट है ये बायोलॉजी का डिपार्टमेंट है पूरा, और आपको दिखाता हूँ आगे से दिखाता हूँ। और ये जो लाइन से दिख रहा है अभी सब क्लासरूम्स ही है, पर अभी काम चालू इसलिए जो मतलब पूरा कलर विदर फिर से कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे सारे रूम यहाँ पे मेरे ख्याल से लेक्चर हॉल भी यहाँ पर ही है। देखिए हर क्लासरूम पे आपको ढूंढने के लिए जब आप आओगे ना तो यहाँ पे
जब आप आओगे तो लिस्ट लगती नीचे, वहाँ पे हर बंदे का रोल नंबर के हिसाब से उसका जो रूम नंबर है वो दिया जाता है। जब आओगे तो नीचे आप वो चेक कर लेना, वो चेक करके बाद में आप क्लासरूम ढूंढना, उससे आपको इजी गिरेगा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस ये पूछना पड़ेगा ये रूम नंबर कहाँ पे। ये जो लैब है ये बायोलॉजी का लैब है। ये देखिए गाइस ये कैक्टस भी रखा हुआ है यहाँ पे, ये भी एक कैक्टस है पर ये छोटा है। और ये एलोवेरा, एलोवेरा ये के लिए पता नहीं, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये मेरे बायोलॉजी लैब दिखाया आपको, देखो यहाँ पे बायोलॉजी लैब है, तो आपको यहाँ से सीढ़ी मिल जाती है स्टेयर, आपको यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो। तो आपको जो मेरा क्लास था मैं वो भी दिखाता हूँ। हर पीरियड के लिए आपको अलग 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 कॉलेज में तो क्लास में लेना पड़ेगा, जिस हिसाब से आपने जो पीरियड सिलेक्ट, जो पीरियड बोल रहा हूँ मैं सॉरी, सब्जेक्ट जो आपने सिलेक्ट किए उसके हिसाब से आपको आना पड़ता है। अभी काम चालू है पूरे कॉलेज का, जब तक शायद आपको इंटर ओपन हो तब तक ये काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए ये सब क्लास इधर हो गए। ये वाला जो क्लास था ना ये मेरा क्लास था। हर क्लास के बाद आपको हॉल, उसका हॉल का नंबर मिल जाएगा, लेक्चर हॉल का, वो नंबर देख के आ सकते हो यहाँ पर। तो आपका क्लास ढूंढने में आपको इजी गिर जाएगा, लाइन से वहाँ तक क्लास है, वहाँ पर शायद जो लास्ट वाली क्लास है, थक गया मैं चढ़ते चढ़ते सीढ़ी, वहाँ पर जो मैथ्स की क्लास है वहाँ पर होती है। और ये हर कॉलेज से आपको हर इससे सीढ़ी से दिखेगा। ये सेकेंड फ्लोर, ये लास्ट फ्लोर है बस, इसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं है। और कॉलेज के अंदर ही गुरुद्वारा साहब भी है, जितने भी सिख स्टूडेंट्स हैं जो उनको मत्था टेकने के लिए, उसके लिए गुरुद्वारा भी बनाया गया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है पंजाबी खालसा कॉलेज है पूरा कॉलेज, कॉलेज का नाम है गुरु नानक खालसा कॉलेज, तो गुरुद्वारा तो होना ही था अंदर। यहाँ पे जो डेकोरेशन सब सामान चलते, प्रोग्राम चलते रहता है गाइस अंदर कुछ ना कुछ। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे अभी हम लोग हैं पूरा, तो वहाँ से अंदर में आपको रास्ता मिल जाएगा आने आने के लिए। अगर आप नीचे से आ रहे हो तो नीचे से डायरेक्ट आ सकते हो ऊपर फर्स्ट फ्लोर से ही। ये देखिए पूरा लाइन से आगे तलाक है, ये जो पूरा सेकंड फ्लोर है यहाँ से आपको इस साइड में गुरुद्वारा दिख जाएगा। वैसे बाहर आ गए अभी गुरुद्वारे से, अभी बस जितना भी था आपको पूरा मैंने बता दिया, हो सकता है कुछ मैंने कम बताया हो या कुछ ज़्यादा बता दिया हो, बाकी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। और कैसा मैं 2 साल के बाद में थोड़ा मतलब मैं ज़्यादा, हम लोग खाली 9 महीने ही कॉलेज में हम लोग ने स्टडी की थी, बाद में लॉकडाउन लगे थे उसकी वजह से फिर आने मिला नहीं, तो इसलिए ज़्यादा कुछ हम लोग को इतना पता नहीं है। बाकी जो गर्ल्स को, जो गर्ल्स कैंटीन है वो यहाँ पर है जो पीछे साइड है ना, सेकेंड फ्लोर पे जो है वहाँ पे गर्ल्स कैंटीन है, जो दूसरी कैंटीन भी थी जो यहाँ पर चालू होती थी नीचे, और वो फिलहाल बंद की है, वैसे अभी भी कॉलेज का काम चालू है।
बाकी अगर जिनके क्लासरूम इस साइड पे है ना, उनके लिए तो काफ़ी सही व्यू कि सामने साइड देखो पूरा ओपन दिखता है। ये पूरा पर देखा अभी काम चालू है, इसकी वजह से पूरा तोड़ फोड़ हुई है इधर पे काम चालू है। अब जब तक मतलब री ओपन होएंगे तब तक हो सकता है पूरा कंप्लीट हो जाए काम, शायद ना भी होए तो देखिए पूरा काम चालू है। लाइब्रेरी भी है पर लाइब्रेरी में शायद नहीं जाने दे रहे, इसलिए मैं लाइब्रेरी के साथ नहीं बना पाऊँ। बाकी लाइब्रेरी भी काफ़ी बड़ी और काफ़ी मस्त लाइब्रेरी है। कॉलेज जो बोले हैं, कॉलेज तो बहुत मस्त है। आप मतलब जैसे पिक्चर वगैरह शूटिंग वीटिंग होती है वैसे नीचे भी जो कॉलेज है हॉल टाइप ही रहते हैं, जो ऊपर होते हैं ना वैसे टाइप हॉल है। लाइब्रेरी कोशिश करता हूँ कि आपकी लाइब्रेरी की वीडियो बना के दिखाने की। ये कहीं से कुछ बाहर का व्यू जो मैंने बोला ये मेन गेट है, एक गेट वहाँ से भी है और एक गेट यहाँ से भी है, पर मेन गेट जो है यहाँ पर जाकर जो आपको जाना है रेगुलरली यहाँ से होता है। जो वो वाला गेट है ना, वो वाला गेट खाली जब जिस दिन एनुअल डे होता है जो नजराना बोलते हैं जब उसी दिन खाली खुलता है। ये जो मेरे पीछे है ना, ये आई लव फूड है, यहाँ पे भी एक है जो इस साइड पे ना इधर भी रहते हैं, मतलब कैंटीन टाइप ही है। यहाँ पे भी आपको खाने के लिए चाइनीज़ वगैरह और भी जो काफ़ी कुछ मिल जाएगा। अगर आपको खाना तो कॉलेज के जो अंदर की कैंटीन जैसे मैंने बताया वो बंद है, आपको यहाँ पे आके बाहर से कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। बाकी इस साइड पे भी आपको जो गोले विले वाले जो है यहाँ पर पीछे साइड दिखना नहीं, जगह यहाँ पर गोले वाला, यहाँ पर एक राजू समोसे वाला अंकल भी है, वो यहाँ पर काफ़ी फेमस है, बट वो अभी इसी वक्त पर फिलहाल यहाँ पर है नहीं, तो वहाँ पर वो भी ट्राई कर रहे थे पर वो है नहीं। लंच पहले चाय पीते कि पहले कुछ खा लेते? चाय पीते पहले, फिर चाय पी लेते उसके बाद कुछ खाते, फिर आपको और दिखाते। बाकी जितना भी कॉलेज तो था अंदर से बाहर से मैंने वो सब आपको बता दिया है, बाकी देखते और आगे अभी क्या करते हैं। तो गाइस यही कुछ थी मेरी वीडियो, बाकी जितना कुछ भी था मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो मेरे को पता था। हो सकता है कुछ छूट चुका हो, और मतलब जितना मेरे को पता था उतना तो मैंने अपने हिसाब से आपको सब कुछ बता दिया है, थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है जो मैंने नहीं बताया हो। बाकी एक कॉलेज के बैक साइड पे ना फाइव गार्डन करके गार्डन भी है, जो वहाँ पे पांच रास्ते एक साथ मिलते हैं, तो आप वहाँ पर भी आ सकते हो। जैसे फ्री लेक्चर तो बंदे काफ़ी लोग वहाँ पे टाइम पास करने टाइम स्पेंड करने चले जाते हैं। बाकी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर दो अपने भाई का चैनल को अमेजिंग वीडियोज़ नए नए वीडियोज़ के लिए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।